हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि प्रभा एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। सो डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सीरीज। इन दिस न्यू सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट। एज यू ऑल नो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव ऑलरेडी डन सम मॉक टेस्ट एंड इसके साथ मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट कि यू शुड नो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और उस पर कितने नई तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम आज से अपना सेशन कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट 20 डेज टाइम एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, सो दैट कि जो भी लर्नर्स जो दिसंबर से मेहनत करके आ रहे हैं या फिर जो जून के बाद मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो ऑब्वियसली आपके लिए एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज वॉट एवर फ्रेंड्स हैव अपीयर दिस टाइम, दे हैव टोल्ड मी मैनेजमेंट एंड कॉमर्स जो आपके मेन पेपर होते हैं, दे हैव आस्क्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट वॉज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑल दो दे नो द आंसर बट वहाँ पे अजर्शंस एंड रीजन्स के क्वेश्चन थे विच इज़ सम हाउ टाइम टेकिंग, करेक्ट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन वॉट आई हैव, सो आई हैव गिवन यू। तो आप इन सब बातों को दिमाग में रख के ही अपना प्रिपरेशन करिए। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू प्रोवाइड द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। जस्ट रीड द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ एंड वॉट एवर टाइमर इट्स रनिंग, कोशिश करिए कि उसी टाइम में आप आंसर्स को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टेकन फ्रॉम ग्राफ थ्योरी। बेसिकली इट इज़ आस्किंग अबाउट हैमिल्टन ग्राफ और मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो हैमिल्टनियन ग्राफ है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज 2015, 16, 17, 18 एंड 19 पूरे चार साल में ये एवरी टाइम रिपीट हो रहा है एंड इस पर एवरी टाइम दे आर आस्किंग नए तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको इसकी प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना है। सो आई होप सब ने करेक्ट आंसर दिया होगा बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, 15 में भी पूछा गया है एंड 16 में भी पूछा गया था। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स कि अगर आप एग्जामिनेशंस में जाओगे तो आप क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना। लेट अस सपोज यहाँ पे इन्होंने लिखा है हैमिल्टोनियन ग्राफ विथ नो लूप एंड पैरेलल एजेस। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ग्राफ, जो भी ग्राफ थ्योरी यूजीसी नेट के सिलेबस में है। वी हैव सर्टेन ग्राफ्स जिसमें हम सिंपल ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी अनडायरेक्टेड, बिकॉज कहीं ना कहीं डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिग्री वगैरह आपकी चेंज हो जाती है। डैट्स वाई ग्राफ थ्योरी व्हाट यू हैव टू स्टडी फॉर यूजीसी नेट, उसमें हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं एंड सिंपल ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट डज इट मीन कि अगर नो लूप है, मतलब लूप भी नहीं है एंड पैरेलल एजेस भी नहीं है, तो डैट ग्राफ विल बी अ सिंपल ग्राफ। देन फिर सिंपल ग्राफ में आप पढ़ते हो आयलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, सो एंड सो। तो यहाँ से आपका पहला चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो भी ग्राफ आप पढ़ रहे हो हैमिल्टोनियन ग्राफ, अगर आपसे ट्रू एंड फॉल्स में या किसी भी कंप्लीट ग्राफ में भी अगर वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये पूछेंगे वेदर इट विल कंटेन अ लूप और अ पैरेलल एज, तो आप फ्रिक्वेंटली उसमें लिखना नो। इन ग्राफ थ्योरी वी आर नॉट स्टडिंग फॉर डायरेक्टेड एंड जिसमें लूप प्रेजेंट हो एंड पैरेलल एजेस प्रेजेंट हो। तो ये क्वेश्चन से मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया है, आप इसकी नोट मेकिंग ज़रूर करिए। नाउ लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर विल बी गॉट ए एंड सी। मैंने यहाँ पे आंसर बहुत जगह से वेरीफाई किया, इन वेरियस बुक दे हैव रिटन ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट अगर आप ग्रीक्स ऑफ ग्रीक पे जाके देखोगे यूजीसी का ऑथेंटिकेटेड आंसर अगर आप देखोगे तो आंसर इज़ ए एंड सी ही आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट। तो जो पहला ऑप्शन है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। वॉट इज़ अ हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें आपको ईच एंड एवरी वर्टेक्स को ट्रैवर्स करना है एग्जैक्टली वन, ठीक है। एंड अगर उसमें आपका स्टार्ट और एंड ये वर्टेक्स रिपीट हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप एक साइकिल फॉर्म करोगे, तो साइकिल फॉर्म करने का मीनिंग ही है कि आपका स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब इस पर क्वेश्चन आइदर दे कैन आस्क यू स्टेटमेंट वाइज लाइक दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दे कैन आस्क यू, दे विल बी प्रोवाइड यू ग्राफ एंड दे विल आस्क यू कि वेदर दिस ग्राफ इज़ हैमिल्टोनियन और नॉट। तो उसको आप क्या करोगे, आप उसको ट्रैवर्स करके पूरे वर्टेक्स को कवर अप करने की कोशिश करोगे। समटाइम्स दे गिव यू कॉम्प्लेक्स ग्राफ जिसमें आप उस मेथड को, सिंपल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हो, देन आप थ्योरम का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे दो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट्स एंड ओर्स थ्योरम। ये थ्योरम
बेसिकली हम यूज़ करते हैं हैमिल्टोनियन ग्राफ को चेक करने के लिए, करेक्ट। तो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है कि आपकी जो भी डिग्री होगी, ईच एंड एवरी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो एन बाई टू के ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होगा। एन बाई टू मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो भी आपके गिवेन होंगे उसको जब आप डिवाइड करोगे तो डिग्री सबकी ग्रेटर देन होनी चाहिए। और थ्योरम ये बोल रहा है जो ऑप्शन सी है कि डिग्री ऑफ वी एंड डिग्री ऑफ डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन। तो बहुत ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ वी एंड डब्ल्यू ये दोनों आपके एडजेसेंट नहीं होंगे, नॉन एडजेसेंट होंगे, ठीक है। अब एडजेसेंट क्या है, नॉन एडजेसेंट क्या है, ये बहुत ही बेसिक है। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको वो मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं ग्राफ थ्योरी पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ओके। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, तो थ्योरम अगर आपको आएगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एंड इस दो थ्योरम को आपको इसलिए भी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जानना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन इन्होंने ग्राफ देकर पूछा होता आपसे तो आप इस थ्योरम का अप्लाई करके यू कैन टेल कि वेदर दिस इज़ हैमिल्टोनियन ग्राफ और नॉट। आई होप दिस क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको सारा ऑप्शंस मालूम होना चाहिए। नाउ गिव द आंसर फॉर क्वेश्चन टू, विच आर द फॉलोइंग इन सी प्लस प्लस इज इनहेरिटेड इन अ ड्राइव्ड क्लास फ्रॉम बेस क्लास। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी हैव बेस क्लास, वी हैव ड्राइव क्लास, ठीक है। बेस मतलब आपको समझना योर पेरेंट, एंड ड्राइव मतलब आप क्या हो, आप अपने पेरेंट के चिल्ड्रेन हो, तो यू हैव इनहेरिट सम फीचर्स फ्रॉम योर पेरेंट, करेक्ट। तो क्या ऐसा होता है जिसमें आप इनहेरिट करते हो, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डेटा मेम्बर्स एंड वर्चुअल मेथड, एंड यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट टू टू थ्री थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हेंस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसलिए मैंने कैटेगरी में क्वेश्चन दिया, सो दैट कि अगर आपने इस टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर अप करें। सो वॉट विल बी द आंसर, क्वेश्चन इज आस्किंग विच कैन बी डिराइव्ड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डेटा मेम्बर्स। अब क्वेश्चन रिवर्स कर दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन में अगर ये पूछती आपसे विच कैन नॉट बी डराइव्ड, तो इस क्वेश्चन को आपको नोट मेकिंग किस तरीके से करना है, ये तो आपको लिखना ही है कि क्या ड्राइव करो, डेटा मेम्बर्स ऑब्वियस ही बात है, देयर इज़ अ क्लास, इन क्लास यू हैव डेटा मेम्बर्स एंड यू हैव मेम्बर फंक्शंस। तो अगर आप क्लास बना रहे हो, सपोज इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में उसका नेम होगा, उसका एज होगा, स्टूडेंट का आप ग्रेड कैलकुलेट करते हो, स्टूडेंट का आप मार्क्स कैलकुलेट करते हो, तो दीज आर द मेथड्स। एंड जो भी आप उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो, सपोज एज, नेम, किस कोर्स में वो इनरोल हुआ, डेट आर द प्रॉपर्टीज़ और डेटा मेंबर्स। तो आप क्या कर रहे हो, क्लास में जो भी आप डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो आप उसको ही इनहेरिट करोगे। हिंस क्वेश्चन में क्या पूछा कि डिराइव मेंबर क्या इनहेरिट करेगा, तो डेटा मेंबर। एंड अगर ऑप्शन में यहाँ पे मेंबर फंक्शन होता तो आप उसको भी सेलेक्ट करते। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना है कि एक क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपको सारे क्वेश्चन को कवर अप करना है, ओके। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बनता है विच कैन नॉट बी इनहेरिट, तो यहाँ से आपको लर्न कर लेना है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एंड वर्चुअल मेथड कैन नॉट बी इनहेरिटेड। बहुत लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि कंस्ट्रक्टर को भी हम इनहेरिट कर लेते हैं, कैसे करोगे, कंस्ट्रक्टर इज़ नॉट अ मेथड, इट इज़ जस्ट यूज फॉर इनिशियलाइजेशन। तो अगर आप सिर्फ मेंबर डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करो देन यू कैन नॉट इनहेरिट कंस्ट्रक्टर। तो दैट्स पॉइंट आई हैव रिटन हियर, कंस्ट्रक्टर आर नॉट मेंबर्स सो दे आर नॉट इनहेरिटेड बाई सब क्लास, बट द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम सब क्लास। मतलब आप कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते, बट आप एक बेस क्लास डिराइव्ड क्लास का यूज़ करके आप उस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। और दिसंबर 2019 में ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग पे क्वेश्चन आया था, तो हेंस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। What is destructor? Destructor is again a member function which destructs or deletes an object. Virtual method. Why virtual method has been used? Because dynamic polymorphism को implement करने के लिए we are using virtual method and it can be redefined. आप इसको override कर सकते हो. Override की facility कौन provide करता है? Runtime polymorphism में and polymorphism. तो again these are the questions expected. तो आप object oriented का जो मैंने 8 to 9 videos बनाए हैं आप उसको ज़रूर cover up करें, because I have covered all these point in that playlist. Okay? And I have written here कि which cannot be inherited, तो constructor, destructor and friend function, basically virtual function and friend functions को भी आप inherit नहीं कर सकते हो। Now, which is incorrect statement?
बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर प्रोवाइड करिए। इनकरेक्ट इन सी प्लस प्लस। When we write overload function, we must code the function of uses. When we write function template, we code the function only once. It is difficult to debug macros. Templates are more efficient than macros. So this is the assertion and reason question, जिसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, because multiple options आपको select करना है। तो बेस्ट मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है? जो फोर्थ ऑप्शन है, लेट अस सपोज मुझे सारे ऑप्शन नहीं पता, मैं एग्जाम में क्या करूँगी? आई एम श्योर अबाउट ऑप्शन नंबर फोर, टेम्पलेट्स आर मोर एफिशिएंट देन मैक्रोस। यस, बिकॉज मैक्रो आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है, जिसको आप इनलाइन फंक्शन भी बोलते हो, जो आपका कंपाइलर प्री प्रोसेस करता है, पहले कोड को कंपाइल करने से पहले वो प्री प्रोसेस करेगा। तो हिंस आपका ऑप्शन फोर क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन क्या पूछा? विच इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन आपका थ्री और फोर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे। तो विच आर इनकरेक्ट पूछा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस आई गेस मैंने रॉन्ग लिख दिया है। आपका बेसिकली जो ऑप्शंस है ना, ऑल आर करेक्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन टू इज़ ओनली नॉट करेक्ट, है ना? बेसिकली ऑप्शंस यहाँ पे ऑल आर इनकरेक्ट होगा, तो आई एम जस्ट राइटिंग आउट, ये सही कर लेना। दिस इज़ इनकरेक्ट, है ना? दिस इज़ इनकरेक्ट, ये यहाँ पे ऑल है इनकरेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर व्हाट? इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आपको समझना था, जो टेम्पलेट्स आर मोर एफिशिएंट मैक्रो, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट। यस, मैक्रो से टेम्पलेट आपका इजी होता है करना। देन आप अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग मैक्रोज। ऑफ कोर्स यस, बिकॉज मैक्रोज में आप क्या करते हो, आपकी एम्बिग्यूटी होती है, करेक्ट? हेंस आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आप इस तरीके से, जब आपके दो से तीन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, तो आप कॉम्बिनेशन देखो, ऑप्शन थ्री एंड फोर एब्सोल्युटली ट्रू है, तो ऑप्शन वन एंड टू ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। देन जो ऑप्शन वन बोल रहा है, उसको आप बहुत ध्यान से समझिए। व्हेन वी राइट ओवरलोडेड फंक्शन, वी मस्ट कोड द फंक्शन फॉर ईच यूजेस। तो ओवरलोड का प्रॉपर्टी क्या होता है? आप डिफरेंट फंक्शंस को ओवरलोड करते हो, मतलब कि आप उसके सिग्नेचर्स को चेंज कर रहे हो, सो दैट कि अगर एक मेथड है डिस्प्ले, तो वो इंटीजर वैल्यू को भी डिस्प्ले कर सकता है, फ्लोटिंग को भी कर सकता है, कैरेक्टर को भी कर सकता है, सो एंड सो। तो हिंस अगर आपका 1, 3, 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो वो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो हिंस ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है आपसे, और सारा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, तो हिंस आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑप्शंस आर, तो ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो आप उसको सही कर लेना। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, और आपसे इनकरेक्ट पूछा, तो यहाँ एक्चुअली नॉन आएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए नॉन, ठीक है? तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज इजी क्वेश्चन, बट दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। फॉर अ वीक एंटिटी टू बी मीनिंगफुल, इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अनदर एंटिटी सेट इन कॉम्बिनेशन विद सम ऑफ देयर एट्रीब्यूट वैल्यूज इज कॉल्ड व्हाट? तो आपको भी पता है कि अगर वीक एंटिटी के बारे में पूछा, तो ऑप्शन ए और डी तो आप कैंसिल कर दोगे। क्यों? क्योंकि नेबर सेट कुछ भी नहीं होता, एंड वीक एंटिटी के बारे में तो बोला ही जा रहा है, तो ऑप्शन इसका होगा ओनर एंटिटी सेट। यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट क्यों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें भी मालूम है कि वीक एंटिटी सेट इज़ डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, बट यहाँ पे पूछा है कि उसके कॉम्बिनेशन के साथ, उसके एट्रीब्यूट के साथ हम किसे यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ओनर एंटिटी सेट। तो यू मस्ट नो द डेफिनेशन फॉर ओनर एंटिटी सेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड, अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज एन एंटिटी दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर एंटिटी इन अ स्कीमा, इट हैज़ सफिशियंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की, दैट यू नो दैट बाय द डेफिनेशन। वीक एंटिटी सेट इज अ सेट दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स एट्रीब्यूट अलोन, इट डज नॉट हैव सफिशियंट एट्रीब्यूट्स टू फॉर्म अ प्राइमरी की, डेट्स वाई यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट आता है। और जब आपसे ERD पूछेंगे वो, तो आप यहाँ पे एवरी टाइम लिखोगे कि वीक एंटिटी के साथ आपका टोटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एंड दे विल फॉर्म अ टेबल, करेक्ट? तो एज अ वीक एंटिटी डू नॉट हैव एनी प्राइमरी की, दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई ऑन देयर ओन, सो दे डिपेंडेंट ऑन सम अनदर एंटिटी, एंड दैट इज नोन एज ओनर एंटिटी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं होगा, सो यू माइट बी गेट कन्फ्यूज, बट दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एंड हेंस आई हैव पुट दिस क्वेश्चन ओवर हियर, एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन सम मोर पॉइंट लाइक वीक एंटिटी हैव टोटल पार्टिसिपेशन, जिसको आप एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी बोलोगे,
पार्शियल की होता है यहाँ पे हैं, उसको डिस्क्रिमिनेटर भी बोलते हैं, बिकॉज इन मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वो आपको डिस्क्रिमिनेटर पूछते हैं, करेक्ट। तो यू माइट गेट कन्फ्यूज कि वॉट इज़ दिस कीवर्ड, तो हेंस आपको ये सब मालूम होना चाहिए। एंड नोट मेकिंग इज़ डैट वीक एंटिटी ऑलवेज हैव टोटल पार्टिसिपेशन, बट अ स्ट्रांग एंटिटी मे और मे नॉट हैव टोटल पार्टिसिपेशन, ओके। नाउ विच इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, रीड इट वेरी 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 केयरफुली। Weak entity can be deleted automatically when the strong entity is deleted. Weak entity avoids the data duplication. ये questions यहाँ पर put करने का एक single ही reason है dear friends, क्योंकि अगर आप previous year questions देखोगे तो they are asking you the tabular question, जिसमें आप अगर एक primary key को delete कर रहे हो तो उसके corresponding कितने सारे foreign key delete हो रहे हैं। So foreign key, weak entity, strong entity, ये सब आप बहुत clear होना चाहिए DBMS में आपको। The answer for this question will be option 4, ठीक है। See, weak entity delete हो जाएगा obviously, अगर वो strong entity पे dependent है तो अगर आप strong को delete करोगे तो weak भी delete होगा, तो this is correct statement। And इस पर numericals frequently they are asking, जो आपके tables के format में होता है। Next statement is weak entity set avoids the data duplication and consequent possible inconsistency caused by duplicating the key of a strong entity। अगर ज़रूरत होगी तो आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी का यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, तो ये स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब वीक एंटिटी सेट हैज़ नो प्राइमरी की अनलेस एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऑन विच इट डिपेंड्स आर इंक्लूडेड, यस उसके पास अपनी प्राइमरी की नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का यूज़ करता है। नाउ व्हाई क्वेश्चन ऑप्शन डी इज़ फॉल्स इज टपल्स इन अ वीक एंटिटी आर नॉट पार्टीशन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप विद द टपल्स इन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज टपल्स इन द वीक एंटिटी सेट अ पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप विद द टपल्स इन द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। तो बहुत ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझिए, जब आप ईआरडी को एक टेबल के फॉर्मेट में नॉर्मलाइज करते हो, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वाइल नॉर्मलाइजेशन हम क्या करेंगे, वॉट एवर सपोज स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जगह अगर वीक एंटिटी में भी आपकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसके भी आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के नंबर ऑफ टेबल्स इंक्रीज हो जाएंगे। इट मीन्स वॉट कि उसका जो प्राइमरी की है वो तो डिपेंडेंट होगा ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे, तो आप कहीं ना कहीं उस पर पार्टीशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे लिखा है विच आर नॉट पार्टीशन बट इट कैन बी पार्टीशन, हेंस ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होता है यहाँ पे। तो आई हैव इंक्लूडेड सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, आई होप यू लाइक द सेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर अप करें। नाउ किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, माइक्रो सेकेंड में, की ऑपरेशंस के टर्म में, नंबर ऑफ स्टेटमेंट के टर्म्स में, या किलो बाइट्स के टर्म में? तो आई हैव रिटन द आंसर, आंसर विल यहाँ ऑप्शन 2, करेक्ट, बिकॉज जो किलो बाइट है वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा। काउंटिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज डजंट गिव द एफिशिएंसी, बिकॉज हो सकता है कि अगर एडिशन का प्रोग्राम है, ऑब्वियसली बात है अगर कोई सिक्स का स्टूडेंट है तो वो 4 to 5 लाइन में लिखेगा। अगर आप बीइंग अ पीजी स्टूडेंट, बीइंग अ आईटी डेवलपर, अगर आपको मैं बोलूँगी एडिशन का प्रोग्राम लिखें तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंटएफ में लिखोगे 2+3, करेक्ट। तो दिस इज़ हाउ कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट पर आपका एफिशिएंसी डिपेंडेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ की ऑपरेशन पे आपकी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम डिपेंडेंट होता है। ऑल दो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी बट आई हैव पुट हियर बिकॉज एल्गोरिदम में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नाउ विच फेज ऑफ कंपाइलर जनरेट्स स्ट्रीम ऑफ एटम्स, तो दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन, आई होप आप दो ऑप्शन तो इजिली एलिमिनेट कर सकते हो, बट दिस इज समहाउ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। आंसर विल बी सिंटेक्स एनालिसिस, आदत होती है ना हमें लेक्सिकल एनालिसिस टिक मार्क करने की, बट लेक्सिकल एनालिसिस का आउटपुट क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्ट्रीम ऑफ एटम्स, ठीक है। तो जस्ट रीड क्वेश्चन प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई पुट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर पैरेलल वर्चुअल मशीन, जैसा आप जानते हो कि आपके सिलेबस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उससे भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, एंड इन रिसेंट ईयर दे आर फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस, तो आप एक बार इसको ज़रूर कवर अप करें। एंड इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप करंट टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर कॉमन सेंस। तो जस्ट रीड द स्टेटमेंट एंड टेल मी व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ओके। द मैसेज ऑर्डर इज़ नॉट प्रिजर्व, तो एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ,
वॉट इज़ पैरेलल वर्चुअल मशीन? तो पैरेलल वर्चुअल मशीन का मैंने यहाँ पे थ्योरी भी प्रोवाइड किया. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल फॉर पैरेलल नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. इट इज़ डिजाइन टू अलाउ नेटवर्क ऑफ हिट्रोजीनियस यूनिक्स और विंडोज मशीन टू बी यूज एज अ सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसर. तो अगर यहाँ पे पैरेलल मशीन, ऑब्वियसली इसकी इफिशियंसी हाई हो जाएगी. यूनिक्स है आपका, BSD है, GNU लाइसेंस के थ्रू होता है, एंड ये आपका फ्री सॉफ्टवेयर है और ये वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, द PM कम्युनिकेशन मॉडल प्रोवाइड्स एसिंक्रोनस ब्लॉकिंग सेंड, एसिंक्रोनस ब्लॉकिंग रिसीव एंड नॉन ब्लॉकिंग रिसीव फंक्शंस. तो पैरेलल वर्चुअल मशीन है तो ऑब्वियसली इसमें ये सारी फैसिलिटीज रहेंगी. मैसेज बफर्स आर एलोकेटेड डायनेमिकली. जब वो पैरेलल वर्चुअल मशीन का ही कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टैटिक का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हेंस डायनेमिक. तो इस तरीके से आप इलिमिनेट करके इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ विच इज़ नॉट वैलिड विद रेफरेंस टू मैसेज पासिंग इंटरफेस. दिस टर्म्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंट ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो वॉट इज मैसेज पासिंग इंटरफेस? MPI कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. देखो, मैसेज पासिंग इंटरफेस की बात की है तो जो मैसेज पासिंग है वो भी आपके पैरेलल मशीन पे ही यूज़ करते हैं हम. ओके, तो ये ऑब्वियसली है, कई सारे हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो. डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल का भी यूज़ कर सकते हो एंड इसमें आप इंटर कम्युनिकेशन IPC भी इस्टेब्लिश करते हो. तो हेंस दिस आर द ट्रू स्टेटमेंट. तो आपको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट. ऑल पैरेललिज्म इज इम्प्लिसिट. तो इम्प्लिसिट का मीनिंग आप ये समझ सकते हो इंटरनल. तो जब ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में है तो क्या ये इम्प्लिसिट होगा या एक्सप्लिसिट होना चाहिए? एक्सप्लिसिट होना चाहिए, करेक्ट. तो दिस हाउ यू कैन इलिमिनेट द ऑप्शंस. नाउ दिस इज द इन्फॉर्मेशन आई पुट फॉर मैसेज पासिंग इंटरफेस. इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड पोर्टेबल मैसेज पासिंग डिज़ाइन फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. हेंस यहाँ पे आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते थे. दिस आर द फीचर्स ऑफ मैसेज पासिंग इंटरफेस. स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस, अवेलेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट का फीचर्स होता है, करेक्ट. नाउ व्हाट इज़ WAR32 इज? सी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे तो नहीं गए हैं रिसेंट ईयर्स में, बट द थिंग इज़ कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, उससे एक क्वेश्चंस तो आ रहे हैं एंड पेपर वन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिकॉज दिस आर द रिसेंट क्वेश्चंस. नाउ WAR2 क्या है? बेसिकली इट इज़ अ विंडोज 32. तो जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज़ द ट्रू स्टेटमेंट. स्पेशल एजुकेशन इन्वायरमेंट टू रन 16-bit विंडोज एप्लीकेशन ऑन 32-bit मशीन. तो यहाँ पे अगर आपको पूछते हैं WAR64, इट मींस कि वो 32-bit का रहेगा और वो 64 पे भी रन होगा. तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इंटर रिलेट करके भी स्टडी कर सकते हो. नाउ लास्ट क्वेश्चन, द ट्रांसलेटर विच परफॉर्म्स मैक्रो कॉल्स एक्सपेंशन इज कॉल्ड वॉट? मैक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, डायनेमिक लिंकर, कंपाइलर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी टाइम दे आर आस्किंग वन क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स, करेक्ट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रो प्री प्रोसेसर. तो इसमें दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो सकते थे, व्हाट इज़ मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो प्री प्रोसेसर. बट बिकॉज इन्होंने लिखा है कि मैक्रो कॉल का एक्सपेंशन, तो डैट इज़ वॉट मैक्रो प्री प्रोसेसर. तो इस तरीके से छोटा छोटा वो कीवर्ड्स में हेर फेर करेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें. एंड आई हैव गिवन द डेफिनेशन कि आपका डायनेमिक लिंकर क्या होता है. इट इज़ एन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डैट लोड्स एंड लिंक्स द शेयर्ड लाइब्रेरी. कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं. ट्रांसलेटर क्या होता है. सो दिस थिंग्स, जो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है आप उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर वन एंड पेपर टू. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियोज़, जिसमें हमने 2015 का जो आपका पार्ट वन है, बेसिकली आई हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस टुडे. तो 50 क्वेश्चंस में आई हैव गिवन यू द हायरार्की कि किस तरीके से आपके ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस पे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. तो इफ़ यू हैव मिस्ड दैट टॉपिक्स तो आप उस टॉपिक को ज़रूर कवर अप करें. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड वॉट एवर यू फील जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो. एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द नोटिफिकेशन कि आई एम व्हाट आई एम प्लानिंग एंड किस तरीके से वी आर अपलोडिंग वीडियोज ऑन सर्टेन टॉपिक्स.
एंड आप यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज इन द कमिंग डेज यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल बी अपलोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज जो कहीं ना कहीं आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए. तो आई होप यू लाइक द सेशन. गुड नाइट. हैप्पी लर्निंग. रिविजन ज़रूर करें. डेली का टारगेट सेट करना है 1 यूनिट फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2. थैंक यू सो मच.